इन दिनों पूरे देश में चारों तरफ फिटनेस और योगा की बात चल रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। इसी के तहत अलवर में 18 से 21 जून तक चलने वाले योगा शिविर का शुभारंभ आज शहर विधायक बनवारी लाल सिंगल ने दीप प्रज्वलित कर किया। से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भीतर लें, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आए, माथे को भूमि पर रखें। अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंग आसन है। सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक चलने वाले कंपनी बाग में 4 दिवसीय योग शिविर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल ने किया। स्वयं सिंगल ने भी 1 घंटे तक योगा व्यायाम किया। इसका आयोजन पतंजलि योग समिति, RDNC मित्तल फाउंडेशन सहित कई संस्थाओं ने किया था। यह शिविर 21 जून तक कंपनी बाग में चलेगा और 21 जून को ही शहर का योगा का मुख्य आयोजन स्टेडियम में किया जाएगा। आज कंपनी बाग में कंपनी बाग विकास समिति, RDNC मित्तल फाउंडेशन और भारतीय योग संस्थान, पतंजलि, रोटरी क्लब अलवर, लॉइंग अलवर मस, ये सब मिलकर के संस्थाएं और बहुत सारी संस्थाएं, सर्वहितकारी संस्थान संजीव खत्री जी का, ये सब मिलकर के कंपनी बाग में योगाभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। जो हमारा 21 जून को चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है उसकी तैयारियों के संदर्भ में ये योगाभ्यास किया जा रहा है, जो सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में जो आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से किया जाता है। और आज जो हमारे अतिथि थे श्री बनवारीलाल जी सिंगल MLA साहब थे और दीप प्रज्वलित करके इसका कार्य का शुभारंभ किया। मैं सभी हमारे अलवर के वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो समय पर 5:30 बजे पधारें, एक पानी की छोटी बॉटल जरूर ले कर आएँ, पानी की व्यवस्था वहाँ पर भी है, और अपने बिछाने के लिए मैट या बेडशीट जो भी लेके हैं, मैट्स वैसे हमने बिछाए हुए हैं परंतु अपनी सुविधा के अनुसार वो भी साथ लेके हैं, और अपना स्थान समय पर ग्रहण कर लें। योगा जो है वो केवल शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। योगा शरीर, मन और आत्मा का एक तरह से शुद्धिकरण का एक प्रयास है, और इससे हमें जो मानसिक शांति मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है, वो हमें सारे दिन खुश रखता है। मैं सबसे अपील ये करना चाहता हूँ कि योगा को अपनाएं। आप ज़रूर टहलें, घूमें, जिम जाएं, बहुत और एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, बैडमिंटन खेलें। जो प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया का जो मूवमेंट है और हमारा एक अलवर में भी स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत या स्वच्छ अलवर और स्वस्थ अलवर का जो हमारा नारा है उसको चरितार्थ करें। हमारा फाउंडेशन भी इस मुहिम में आगे से आगे बढ़कर काम करता है, और ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि यदि हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो बहुत अच्छे से हम अपनी ऊर्जा को एक तरह विकसित कर सकते हैं और हमारा जो हमारा काम है, दिन भर का काम है, उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज कितने लोग आए थे तकरीबन? आज करीब 400 लोगों ने भाग लिया कंपनी बाग में, और बहुत पहले दिन की शुरुआत थी। मुझे लगता है ये संख्या हज़ारों में हो जाएगी, और 21 जून को जो हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम होने वाला है उसमें हम लास्ट के दिन 21 तारीख को 5:00 से 6:00 बजे तक वो कार्यक्रम रखेंगे, जिससे कि लोग 7:00 बजे जो हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम है इंदिरा गांधी स्टेडियम में उसमें पहुंच पाएँ। हमारे प्रशिक्षक संजीव खत्री जी, आनंद अग्रवाल जी और रामलाल चौधरी साहब, इन्होंने, और आज के हमारे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं गिरीश जी, उन्होंने बहुत अच्छे से आज इसको अंजाम दिया। हमारे कंपनी बाग के अध्यक्ष विकास समिति के सौरभ शर्मा जी के जो पूरी टीम ने आज शिकंजी हम सबको पिला करके एक तरह से कृतार्थ किया, मैं सबका धन्यवाद हृदय से देना चाहता हूँ। थैंक यू।